नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा के लक्ष्मण बाग स्थित बापू भवन से भस्मी कलश चोरी हो जाना और महात्मा गांधी की फोटो के नीचे आपत्तिजनक शब्द अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखे जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसकी शिकायत बिछिया थाने में की, जिसके बाद पुलिस के द्वारा इसकी जांच जारी है। वहीं इस घटना के बाद कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गए हैं। 2 अक्टूबर को जहां पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह मनाई जा रही थी, वहीं दूसरी ओर रीवा जिले में बापू की फोटो के नीचे देशद्रोही लिखे जाने और भस्मी कलश चोरी हो जाने की शिकायत बिछिया थाने में लिखाई जा रही थी। वहीं लक्ष्मण बाग स्थित बापू भवन, जहां ऐसा बताया जाता है कि 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां लोगों के दर्शन के लिए रखी गई थी, इसके बाद वर्ष 1970 में महात्मा गांधी की जयंती समारोह के रूप में भवन निर्माण कराया गया और भस्मी कलश लाकर रखा गया था, ऐसा वहां पर दीवार में लगे पत्थरों में लिखा हुआ है। वर्तमान में ये भवन में SAF पुलिस बल की भोपाल 25वीं बटालियन की टीम पिछले एक वर्षों से रह रही है। उनके अनुसार पिछले एक वर्षों में उन्होंने किसी प्रकार का कलश उस भवन में नहीं देखा। जब गुड मॉर्निंग टीवी की टीम ने लक्ष्मण बाग सेवा समिति और वहां के पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया कि यहां पर कभी महात्मा गांधी की अस्थियां लोगों के दर्शन के लिए लाई गई थी। इसके बाद अस्थियों को यहां से इलाहाबाद में प्रवाहित कर दिया गया। उनके अनुसार यहां पिछले 20 वर्षों में उन्होंने कभी भी किसी प्रकार का कलश नहीं देखा है। साथ ही महात्मा गांधी की फोटो पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर उन्होंने कहा कि यह फोटो यहीं रखी हुई थी, लेकिन इस तरह का घटिया काम किसने किया है इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर बिछिया पुलिस थाने में FIR कराने वाले शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू का कहना है कि उन्हें ऐसी सूचना मिली थी कि लक्ष्मण बाग स्थित बापू भवन में रखी महात्मा गांधी की फोटो के नीचे किसी ने देशद्रोही जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसके बाद उन्होंने तत्काल एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से इसकी शिकायत की, जिसके बाद उनके द्वारा बिछिया थाने में जिन्होंने कृत्य की शिकायत भी की है। साथ ही भस्मी कलश उसी स्थान से गुम हो जाने और उसकी जांच कराने की मांग को लेकर FIR दर्ज कराई। बैनर पर राष्ट्रद्रोही लिखा हुआ था, जिसकी सूचना हमारे पूर्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राम कीर्ति शर्मा जी ने थी। मैं प्रभात फेरी पे पूरे शहर के भ्रमण में था और मैंने तुरंत तत्कालीन एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा जी को कहा कि तुरंत आप लक्ष्मण बाग संस्थान, जो हमारा पवित्र स्थान है, पूरे देश और प्रदेश में आस्था का केंद्र है, वहाँ पे बापू का भवन, वहाँ ऐसी ऐसी मेरे कांग्रेस परिवार के द्वारा लोगों के द्वारा सूचना दी गई है, तो एडिशनल SP ने अपनी पूरी तत्कालीन पुलिस भेज के उस बैनर को यहाँ पे जब्त किया। और जब्त करने के बाद जब मैं प्रभात फेरी से 1:30 से 2 बजे फुर्सत हुआ तो लक्ष्मण बाग संस्थान आया, यहाँ के अपने बुजुर्गों से और अन्य लोगों से चर्चा की। चर्चा करने के बाद मैं बिछिया थाने में जाके FIR दर्ज किया कि जिन लोगों ने राष्ट्रद्रोह का प्रतिमा जी के ऊपर लिखा है उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो, एवं हमारे जो बुजुर्गों द्वारा बताया गया कि यहाँ पे भस्मी कलश 1970 के 48वीं जयंती पर आया था, जिसे फिर प्रतीक के रूप में एक चिन्ह बना के वहाँ रखा गया था, जिसमें हमारे कई वरिष्ठ जन, बुजुर्ग जन जो हर साल आके अपने गांधी जी पर अपनी आस्था और श्रद्धांजलि अर्पित करते थे, उन सारे लोगों द्वारा बताया गया कि यहाँ पे अब जो प्रतीक के रूप में अस्थि कलश यहाँ रखा गया था वह नहीं है, तो उसका भी जिक्र मैंने FIR के अंदर किया। 2 अक्टूबर को ही आपको जानकारी हुई, इसके पहले कभी कलश की ध्यान नहीं आई थी? नहीं, कलश की बातें मेरी जानकारी में इससे पहले सब लोग आते थे, दर्शन करते थे, लेकिन यह जानकारी जब हम उस दिन आए तो यहाँ के बुजुर्गों द्वारा हमें दी गई। यहाँ पुजेरी कहना है कि हमने कलश कभी देखा ही नहीं। पुजेरी जी ने अपनी बात रखी, अब क्या है, सब बचाव की मुद्रा में है, अब ये जाँच का विषय है, रिकॉर्ड का विषय है, रिकॉर्ड बताएगा क्या है। इस पूरे मामले को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से बात की गई तो देखिए उन्होंने क्या कहा। कलश अस्थि यहाँ रखी गई तो जो चोरी हो गई। अच्छा ठीक है, देखिए पूरी जांच करेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है। आरोप भी लगा रहे हैं कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उनके सानिध्य में पहले लक्ष्मण ये बाग ये चलता था, तो संचालन होता था, तो इस बीच उन्हें कभी मतलब यहाँ प्रस्थान करने दिए नहीं दिया गया। अब उसके बाद अब अस्थि तो विसर्जित कर दी जाती है ना, की रखी जाती है विसर्जन कर, तो कैसे हाँ मिलेगी। उन्होंने बोला कि बिहार में कलश रखा हुआ था उसके विसर्जन उसमें। अच्छा, तो वो जिन लोगों ने जिनको जानकारी होगी वही बता पाएंगे कि रखा गया था। बाकी अस्थि तो विसर्जित की जाती है, दर्शनार्थ के लिए आती है फिर विसर्जित हो जाती है शायद। ठीक, महात्मा गांधी जी की जो ये तस्वीर थी वहाँ भी कुछ लोगों ने देशद्रोही दी थी, ये तो घोर आपत्तिजनक है। ऐसे असामाजिक तत्वों को के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। मेरी भी मांग है कि ये पता करें कि इस प्रकार की हरकत किसने की है और
ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला चलना चाहिए। हमारी सरकार ने राष्ट्रद्रोह के मामले को बहुत सख्त बनाया है। ये बात अलग है कि कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में राष्ट्रद्रोह के मुकदमे को समाप्त करने का प्रावधान किया था, लेकिन उनकी सरकार नहीं बन पाई। बीजेपी की सरकार बनी है और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा ऐसे तत्वों के खिलाफ, घृणित काम करने वालों के खिलाफ चलना चाहिए। वहीं रीवा जिले के बिछिया थाना प्रभारी शशि ध्रुवे ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं। बताई थी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष यहाँ मंगू सदा द्वारा कि यहाँ से 80 कलश चोरी हो गया है और जो महात्मा गांधी का जो प्रतिमा थी उसमें किसी के द्वारा राजद्रोह करके लिख दिया गया है, तो उस पर बेचना मामला कायम हुआ है और बेचना पर है। अभी यहाँ पे 80 कलश के बारे में पता किया तो यहाँ पे नहीं रखा गया है, वो कुछ समय के लिए यहाँ पे लेके आया गया था, जैसे दर्शन के लिए यहाँ पे रखा गया था, उसके बाद में यहाँ से लेके चले गए थे। अभी हाँ यहीं पे अभी सबसे पूछताछ कर रहे हैं, उस संबंध में किसी को और कोई जानकारी है तो उस संबंध में अभी बेचना चल रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स और खास खबरों के लिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। और हाँ, गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।